दोस्तों वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोबी, आईबीएम, इनमें ऑलरेडी भारतीय मूल के सीईओ हैं, लेकिन अब इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है, पराग अग्रवाल का। अभी हाल ही में ट्विटर के सीईओ जेफ डॉर्सी ने रिजाइन दिया है और उनकी जगह ली है पराग अग्रवाल ने, जो कि एक इंडियन है। इससे पहले पराग अग्रवाल ट्विटर में 10 साल से काम कर रहे थे एज अ सीटीओ, सीटीओ यानी कि चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। पराग वैसे तो मुंबई से हैं और उनकी उम्र 37 वर्ष है। पराग ने आईआईटी बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की है और वो 2005 बैच से पास आउट हैं। इसके बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी भी की है। ट्विटर पराग की पहली कंपनी नहीं है, इससे पहले याहू और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनी में भी पराग काम कर चुके हैं। तो अब बात करते हैं कि पराग को पगार कितनी मिलेगी। ट्विटर का सीईओ बनने के बाद पराग की सैलरी $1.5 मिलियन होगी, यानी कि करीब करीब 10 करोड़ रुपए। इसके अलावा उन्हें कुछ बोनसेस भी मिलेंगे और उन्हें ट्विटर के शेयर्स भी मिलेंगे जिनकी कीमत होगी $12.5 मिलियन, यानी कि अगर हम रुपीज में बात करें तो 88 करोड़ रुपए के समय। इससे पहले भी कई सारी बड़ी कंपनीज के सीईओ इंडियंस रह चुके हैं, जैसे कि सुंदर पिचाई गूगल के, सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के, अरविंद कृष्णन आईबीएम के और शांतनु नारायणा अडोबी के।